लिया आपने? ये तो हुआ था कि मेरा शहजादा चाय वाला, ये तो हुआ था, चाय वाला तो हुआ था, चाय वाला शहजादा शहजादों के मुल्क में चला गया, अब सोशल मीडिया चला गया, लेकिन वो चाय वाला सोना था। कितनी कितनी ठोकरें पड़ी हैं आपको जो आप इतना जख्म दिखा रहे हैं? नहीं, जख्म मैं कब दिखा रहा हूं? ना कोई नहीं कहती मेरा नान वाला था, मेरा वो वाला होती है कुछ ना। आप क्या चाहती हैं कि मैं इनके वाकयात सुनाऊं? ना यार ना, पता क्या, मैं वो इतनी मोटी किताब जो हमने दबा रखी है वो खोल के उसके एक एक वर्ग आपको पढ़ के सुना। हम दोनों एक दूसरे के सामने खुली किताबें हैं, हमारी जिल्दें फट गई हैं। अच्छा, वैसे कान खराब ये खवातीन को टारगेट कर रहे हैं कि खवातीन को बस चांद सितारों वाला चाहिए होता है, कोई चाय वाला नहीं चाहिए, कोई नान वाला नहीं चाहिए, चाहिए तार वाला नहीं चाहिए। हर बंदे का एक ड्रीम होता है, हर लड़की का एक ड्रीम होता है, कोई भी बंदा अपने लिए अपना जीवन साथी जो है ना वो लो स्टैंडर्ड का, हाँ, हर बंदे की सोच जो होती है ना वो अपना एक आइडियल होता है। जिसका नान वाला हो उसके लिए वही शहजादा है, जिसका तार वाला है उसके लिए वही शहजादा है। ये हमने उनकी कैटेगरीज बना ली है कि वही होगा शहजादा जिसके पास लंबी लैंड क्रूजर होगी। पहले यही बातें होती है कि शहजादा होगा मेरे ख्वाबों का राजा, बाद चो होता जो मुकदरा सी भैन लब गया वो भावे नाना वाला हो चाहे रेड़ी वाला, वो बाद में होता है, पहले एक ख्वाहिश होती है। फिल्मों में दिखाते हैं तारा वाला नाना मैं सियाने जेड़ा मियां बीवी होंगे ना बिजली दियां तारां होंगे ने सही जुड़ जान ते रोशनी ते लाइट ते पटाके दे बजदे ही रहंदे। अच्छा, आप नान पे मिसाल मियां बीवी जो है ना वो नान और तिल होते हैं। नान पे अगर तिल ना हो तो वो खमीरी नान नहीं हो सकता, या वो कुलचा सिर्फ हीरो ही। अच्छा, कॉमेडियन बनने की नाकाम कोशिश। आपने वो सियानों की बात की है, वाजिद से मैं शुरू करूंगी। भाई, सियाने कहते हैं जब वो जानवर लेने जाते हैं तो उसके दांत यूं करके देखते हैं, तो वो ट्रिक क्या होता है? बड़े लोगों को नहीं पता होता वो ट्रिक क्या, वो जाते हैं ऐसे लीला उठा के लेके आ जाते हैं। क्या है वो दांतों का चक्कर? एज देखनी होती है, वो दोंदा है, चोगा है, छिगा है, ये उसके नाम है। छिगा क्या है? छह दांत जिसके होंगे वो छह सात साल का हो चुका होगा। अच्छा, तरजीह किसको दी जाती, कितने मतलब दो दांत वाला, चार, छिगा? जब बकरा दो दांत का हो जाता है ना दोंदा, तब वो कुर्बानी के लिए लग जाता है, यानी उसकी एज हो गई है कि अब ये एक साल का है। जो दोंदा नहीं है जिसके दांत, वो क्या कहते हैं उसे, खीरा, जिसके अभी दांत टूटे नहीं, वो कुर्बानी पे नहीं लगता, वो समझिए 12 महीने से कम है। इनकी एज में खुदा ने सिस्टम रखा हुआ है, 12 महीने के बाद इसके दांत टूट जाएंगे, दो आ जाएंगे, वो दोंदा हो जाएगा कुर्बानी के लिए। जस्ट लाइक हमारे बच्चे, जिस तरह हमारे दांत दूध के दांत जो है टूटते हैं उसके बाद। वाजिद का माशाल्लाह दोनों चीजें जायज हो गई है। हाँ जी, बकरा दोंदा ते खामद रोंदा। अच्छा, वो चेक करने का क्या तरीका होता है? बड़ा जानवर चेक मैं आड़ती हूं। नहीं, तुसी लै के आते होगे ना? उन्हें देखा नहीं तुसी? कई बंदे बकरे नु हाथी एड़ा पैड़ा पाने, बकरा गाल कट देना। ये भी एक चीज होती है, फिर हम गाने की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और चीज जो बड़ी सुनती हूँ मैं, और घर में अमूमन बात की जाए, जानवर आता है तो उसके तहत पेट बड़ा फूला हुआ होता है। बड़े व्यापारी ऐसे होते हैं कि जानवर को जबरदस्ती इतना ज्यादा पानी पिला दिया जाता है कि वो बेचारे का इतना ज्यादा पेट फूल जाता है, और लोगों को धोखा ये दिया जाता है कि जानवर देखे बड़ा मोटा ताजा है, इसका पेट देखे इतना गोश्त होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। उसकी पहचान क्या होती है? बड़े लोग हैं वो उसके पेट पे ऐसे मार मार के चेक कर रहे होते हैं कि ये पानी वाला है या क्या है, उसका उसका क्या तरीकेकार होता है? उसके जाके कान में बंदा कहेगा भाई जन की पीता तुसी पीता सी कुछ उसे पूछे तुसी पीता सी कुछ पीता सी कुछ तुसी मतलब अपना ताड़ा तुसी शक्कर वाला पानी हमें कैसे पता चलेगा वो बता रहा है? हाँ? हमें कैसे पता चलेगा वो कुछ बता रहा है? आवाज निकालेंगे भी उसके मुंह के करीब कान करना पड़ता है, और आप तो नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। भाई ये मारेगा, टूट मारेगा, टूट मारेगा, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। नहीं नहीं, मैं आराम से कहता हूं ये टूट मारेगा मैंने इसके पास। अच्छा, पानी भी सादा नहीं होता जो ये व्यापारी क्या पिलाते हैं उसको, सादा नहीं, उसमें बेसन वाला पानी, शक्कर वाला, ऐसी चीजें मिक्स करते हैं जो पेट में जाकर थोड़ा और फूलता है, वो पेट फुला देती है, लगता है कि बड़ा सेहतमंद जानवर। और आरती कह रहे होते हैं खुशी से फूला हुआ है, खुशी से फूला हुआ है। हमें भी कुछ ऐसे डॉलर्स की जरूरत है, वो अंदर जाके ना फूल जाए, बड़े ज्यादा हो जाए। हाय हाय, काश कोई ऐसे डॉलर्स भी आ जाए। देखिए, ऐसे डॉलर्स जो हैं वो जहाँ पे भी मिल जाए लोग लूटने के दर पे आ जाते हैं। और अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि कराची से बहुत बड़ी तादाद में डॉलर जो है वो एक बेचारा बैंक से चेंज करवा के लेके जा रहा था, वो लूटे गए हैं उससे। तो इससे पहले के डॉलर्स और लूट लिए, डॉलर तो डॉलर ही रहे। चलिए, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। और चंद बड़े बड़े सवाल थे जो अभी काशिफ समझते
हैं कि नसीम विक्की से उन्होंने बड़े पूछने, बड़े पर्सनल ना पूछिएगा, बाकी आप जो मर्जी पूछ लें। नहीं, विक्की भाई का पर्सनल तो मुझे सब कुछ ही मालूम है। अच्छा, शुक्र। तो वो आपने पर्सनल उनका पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं अक्सर ही मैं क्योंकि विक्की का जो है ना, विक्की इंडिया में बहुत काम करके आया, तो मैं विक्की से पूछना ये चाहता हूँ, कोई ऐसा चेहरा जो मेकअप से पहले कुछ हो और मेकअप के बाद बिल्कुल ही कुछ हो जाए, उनमें से टॉप 3 चेहरे बताएं वहां पे जो आपने वहां देखे हो, यहाँ के नहीं, यहाँ के मुझे पता है। नहीं, वहां पर सच मैंने तो कोई नहीं देखा, क्योंकि देखो विक्की अभी 3-4 साल वहां तुम काम करने नहीं जा रहे, हालात ठीक नहीं है, तो खुल के बोलो, बात तो जाएगी ना। गल फड़ी जाती है, देखिए गेटअप में तो ऐसे चेंज हो ही जाता है। नहीं, ऐसा कि कोई ऐसा मतलब आपने देखा हो कि बहुत बहुत फोटोजेनिक जो होते हैं, मतलब मतलब इसमें बुरी बात क्या है यार? नहीं, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, मैंने चेहरे की बात की, आर्टिस्ट की चेहरे की बात कर रहा हूं मैं। जब वो अपना काम करने के लिए जाते हैं ना, अपना गेटअप करते हैं, मतलब जैसे सुनील ग्रोवर है, जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं। खवातीन की बात की है? नहीं, खवातीन मेरे सामने वहां की नहीं तैयार हुई। क्यों? यहाँ की होती है। आपने कभी बिपाशा को बगैर मेकअप के देखा हो? नहीं देखा, क्योंकि हमने वहां पर जब मैं गया हूँ, मुझे तैयारी मिली है सारी। अच्छा है। और बिपाशा जब तैयार होती है फिर ये कहते हैं बिपाशा सलामत। अच्छा, और कौन सा आपने सवाल इनसे पूछा? तो किसका इखलाक जो है वो आपको लगा कि बहुत ही जबरदस्त है? देखिए, जितने भी बाहर इंडस्ट्री के लोग हैं, सबका इखलाक बहुत अच्छा है। अगर अगर आप शाहरुख खान साहब की बात करोगे ना, तो मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ, काशिफ, जब आप मिलोगे ना शाहरुख को, तो आप कहेंगे कि अभी इसको जो इज्जत मिली है कम मिली है। वाह, अच्छा, इस बंदे को और मिलनी चाहिए। जबरदस्त, इतने नाइस हैं। चलें, और कोई ऐसा इखलाक वाला आर्टिस्ट जो आपको पाकिस्तान में बहुत पसंद हो? पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं, मसलन मिसाल के तौर पे वसीम अब्बास साहब, मतलब कभी भी उनके मुंह पे नाराजगी देखी नहीं, कभी उनके जुबान से गिला सुना ही नहीं। वाह, जिंदगी में उन्होंने कभी कहा ही नहीं। गोल चेहरा है ना उनका, वो सूट ही नहीं करता उनको ऐसे। हाँ, नहीं वैसे भी ये दिल भी तो होता है ना, दिमाग भी तो होता है ना, ये दोनों चीजें भी मैच नहीं। आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं कभी गिला आया ही नहीं। आपने गलती भी कर दी है ना, तो समझाया ही है आपको, ठीक ही किया है। तो पलट के मुझसे भी कोई सवाल पूछ लो। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, हमारे यहाँ जो सीनियर आर्टिस्टों की आप बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है, ये जूनियर आर्टिस्ट हैं ना, सीनियर हम हैं नहीं, जितना आपने को 8-10 दफा हमें सीनियर कह दिया। माशाल्लाह, आप लोग अपने काम में सीनियर हैं। मैं तस्दीक कर देती हूँ, आप लोग अपने काम में सीनियर हैं। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक अमूमी तौर पर अब रवैया जो हमें देखने को मिलता है, वो ये कि जो भी जूनियर आता है वो कहता है उसके गर्दन में बड़ा सरिया था, उसको आता कुछ नहीं उसके गर्दन में। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है, या किसी एक की वजह से सभी लोग इस सब में आ गए? नहीं, देखिए, जो आप कंपेयर करते हैं अपने जूनियर के साथ, हाँ, जो आपके बाद आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अक्सरियत जो है ये ऐसे ही है, ये गिव एंड टेक है, जैसा आप वाइब्स देंगे आपको वैसी ही मिलेगी। हाँ, ये तो एक पक्की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने सिगरेट छोड़ना है तो हाथ में खुद सिगरेट पकड़ा और आप कहेंगे प्लीज सिगरेट मेरे सामने मत पीना, इट्स पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा है, मैं फॉलोअर हूँ द ग्रेट कवि खान का, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। मतलब हमने इखलाक देखा है कवि साहब का, हमने अच्छाई देखी है कवि साहब की। तो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अगर मैं 10% या 20% भी कवि खान जैसा बन जाऊं, तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि उन जैसा कोई था नहीं। तो ये सारे लोग जो हैं, ये आपकी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे अभी आप कुछ सवालों के जवाब देंगे जी, प्लीज। कहते हैं ना जी, पर्सनल नहीं पूछना, बाकी जो मर्जी पूछना, कोई गल नहीं। मैं सिर्फ इसलिए जोर देती हूँ, चाहे तो रुके हम पर्सनल भी पूछ लेंगे। अच्छा, मैं नहीं चलाऊंगी पर्सनल। पूछें जी, पूछें प्लीज जी सर। क्यों? और आप यकीन करें, हम बड़े अच्छे रिप्यूट वाले लोग हैं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा काशिफ, इनका जो पर्सनल था ना, वो आज इनके घर में है। अच्छा, चलिए बस, यहाँ तक काफी। आगे मेरा पर्सनल भी उसके पास है। मैं तो उससे खर्चनल लेके निकलता हूँ। अब आप बताइए कौन से सवाल है। अच्छा काशिफ जी, जी देखे, क्यों कहते हैं ना जी कि अपने हिस्से का फल खाने के लिए, अपने हिस्से का फल खाने के लिए आपको अपनी टहनी खुद हिलानी पड़ती है। ये जो एग्जांपल है आपके ऊपर बड़ी सूट करती है। आपने अपना करियर बनाने के लिए बहुत जोर लगाया और बड़ी मेहनत की,
और अल्लाह ने आपको उसका अजर भी दिया, आपको पाकिस्तान का एक ऐसा एक रोशन सितारा बनाया माशाल्लाह, कि आपने जो भी किया कमाल किया, नाम भी बन गया और हर चीज आपने पाली। क्या आप देखते हैं कि आपकी तरह का कोई और हीरो भी इस तरह से आया हो और इस तरह से वो मतलब रिस्पेक्ट उसने कमाई और फिर वो जगमगा रहा हो? बहुत ज्यादा, जिस तरह अभी अभी इमरान अशरफ हमारा बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, मतलब इस वक्त वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने देखा है कि इमरान अशरफ ने बहुत स्ट्रगल किया और उसने बहुत टाइम लगा उसको, और उसके बाद उसने मेहनत की और छोटे रोल किए, फिर बड़े रोल किए, फिर आगे गया। तो इस तरह बहुत सी मिसालें मौजूद है, मेरी अकेले की मिसाल नहीं। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, तुम कोई और बात करोगे ये बात मैं करूंगा। मेरा इमरान अशरफ छीन लिया, मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। आप कोई सवाल जो पूछना चाह रही हो, फिर मैं सबसे ईद के हवाले से एक छोटा छोटा सा पैगाम भी लेना चाहूंगी लोगों के लिए। कोई आप सवाल मुझे विकी सर को, क्योंकि मैं बहुत देखा है और लाइक कपल शो में इनका देखती इसलिए थी क्योंकि ये आते थे। सो मेरा रीजन ये था, अब तो मैंने देखना भी छोड़ दिया है वो, तो आई हैव बहुत अच्छा हो गया। हाँ कपल क्या शो, आई डोंट नो कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आजकल पापी गई है ना, आप अपना सवाल पूछिए ना, ऐसे रह जाएंगे आप। सो लाइक आई हैव दिस थिंग बिकॉज आई ऑल्सो वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, सो मेरे पास दो तरफा एक पिक्चर है, यानी बुरे भी हैं अच्छे लोग भी देखे हैं, बट मैंने देखा है कि पीपल आर वे प्रोफेशनल देयर बहुत ज़्यादा ना, सो लाइक हाउ वुड यू कंपेयर बोथ इन दैट परस्पेक्टिव, आप कैसे कंपैरिजन करेंगे इंडियन एंड पाकिस्तानी? हाँ, उनका यहाँ से कितने प्रोफेशनल हैं वो लोग, और यानी कि वो तो मतलब प्योरली प्रोफेशनल है। हाँ ठीक है, मतलब वो अपने किसी चीज़ को मतलब इस तरह हमारी तरह लेते ही नहीं है। हाँ। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पे काशिफ चाहिए ना, तो काशिफ ही चाहिए। आप 10 रिप्लेसमेंट दें वो नहीं मांगेंगे, उनको वही चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर किसी को विकी चाहिए ना, तो विकी की 100 रिप्लेसमेंट बैठे बैठे कह देंगे तो सोता नहीं उठता जी, और छाड़ दो आप फिलासफर जी, आप प्रोफेसर बनने का शौक भी आ गया।